श्री श्री लिसन टू अस। अच्छी एक बार सबकी बात से सुन लो, ट्रस्ट मी सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। मुझे कुछ सॉर्ट नहीं करना है और ना ही मैं गुस्सा हूं। मैं डिसअपॉइंटेड हूं, जिस काम के लिए यहां आई थी वो तो हो नहीं पाया, तो अब यहां रुकने का क्या फायदा? अशी अशी लिसन, इतना सब होने के बाद भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली है। अरे अब ऐसी भी क्या जिद है कि उस लड़की की जिम्मेदारी आप उठाओगे? क्यों नहीं जाने देना चाहते उसे अर्शी के साथ? वहीं से थोड़ा आगे से लाल कहता है, अरे मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? माँ बाबा आप लोग पूरे टाइम उस जनक का ख्याल क्यों रखते रहते? आपको दिख रहा है कि काकुमा और काका कितने परेशान, घर के बाकी लोग कितने परेशान। और इस घर की बाकी लड़कियां भी जनक की तरह तमाशा करती तो आपका बर्ताव इतना ही नरम होता बाबा? वो कहते हाँ नरम होता। और हम उसे भेजने से मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बच्ची की तबीयत ठीक होने दो। वैसे भी इस घर में सब अपनी मनमानी करते हैं, हमारी तो आज तक किसी ने सुनी नहीं। शुभु तुम जानते हो कि झनक को यहां रखना मेरा फैसला नहीं है। इतने में अप्पू वहां से कहती है, अनी अरे अनी ने नहीं जाने दिया झनक को, बहुत अच्छा किया, अर्शी के साथ झनक को भेजना ही नहीं चाहिए। अप्पू दी प्लीज अभी ये सब नहीं। वहां पे बाबू जी ने चुप कराया अप्पू को। इतने में शुभु जी कहते बॉडी आप इसे प्लीज अंदर लेके जाइए और कुछ देर इसे कमरे में ही रखिए प्लीज। तुम ऐसे सबसे नाराज होकर जाओगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और झनक के वजह से हम आपस में रिलेशनशिप खराब क्यों करें? आई टोल्ड यू मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे पास और भी काम है। मैं झनक की तरह पूरा दिन सॉरी सारे लोग में प्लीज रोले और साइलेंस एक्शन। आई टोल्ड यू मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे पास और भी काम है, मैं पूरा दिन झनक की तरह फ्री नहीं रहती। सोच कर मैं सोच कर आई। ओके।